वेलकम टू सुप्लाई न्यूज़ दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि आपको अगर फ्लाइट में इन दिनों ट्रैवल करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑनलाइन या किसी एजेंट से टिकट बुक कराते हो तो आपको फ्रिक्वेंटली मैसेजेस आने लगते हैं कि आप वेब चेक इन करें। उसमें आपको ख़ास ध्यान रखना होगा क्योंकि उसमें ऑप्शंस आते हैं और वो ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से चेक इन करें। मतलब अगर उसमें चॉइस सीट आपको लेनी है तो वो पेड है और मिनिमम, जैसा कि इंडिगो और दूसरे एयरलाइंस की है कि मिनिमम 99 रुपीज़ से कुछ 1000 रुपीज़ तक का उसका प्राइस होता है चॉइस सीट लेने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो भी रेंडमली आपको सीट मिले वो चलेगा, तो ऐसी हालत में आप क्या करें, आप सिंपली वेब चेक इन कर लें। उसमें ऑप्शन आता है कि आपको फ्री करना है या पेड करना है, डू नॉट पेड कुछ ऐसे मैसेज आए ऑप्शन दिखेगा, और ना भी दिखे तो आप अंदाज से फ्री वाले में वेब चेक इन कर लें। और फिर 2 घंटे पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट में इन दिनों रिपोर्ट करना ज़रूरी इसलिए हो गया है बिकॉज ऑफ जो पैंडमिक अभी चल रहा है, कोविड का माहौल चल रहा है इसके लिए, और वो लोग कई सारे प्रिकॉशन देते भी हैं और कई सारे प्रिकॉशन लेने के लिए अपने पैसेंजर्स को कहते हैं। तो आप फिर बहरहाल 2 घंटे पहले आप जाएं, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन कराएं और बैगेज का, उसके बाद काउंटर पे जाएं और काउंटर पे जाने के बाद आप हैंड बैग में कुछ 7 kg के करीब देंगे और 14 kg के करीब आपको लगेज में डालना है। अगर आप मान लीजिए वाया दिल्ली या वाया किसी और शहर के आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे बैग देना है और एयरलाइंस के काउंटर पर जाके जब आप चेक इन करेंगे तो बोर्डिंग कार्ड मिलेगा और बोर्डिंग कार्ड के पीछे एक छोटा सा टैग चिपका के देंगे। अगर वो ना दें तो ध्यान रहे कि वो लेना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार वो नहीं भी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन आप चांस क्यों लें, आप वो ज़रूर लें। और लेने के बाद आप सपोज़ बॉम्बे से पटना से बॉम्बे जा रहे हैं और वाया दिल्ली है, तो आप बॉम्बे पटना चेक इन करें और पटना के बाद आप सीधा बॉम्बे में जब लैंड करेंगे वाया दिल्ली या वाया कलकत्ता या वाया वाराणसी, तो वहाँ पर ध्यान से आप अपना लगेज कलेक्ट कर लें। क्योंकि एक बार लगेज अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये लोग आपको कोई हेल्प करने वाले कोई भी एयरलाइंस नहीं है। इसका ध्यान रहे कि जैसे वो लोग आपको नंबर बताएंगे कि ये नंबर से आप अपना लगेज कलेक्ट कर लें, तो वहाँ पर आप जाकर अपना लगेज पहचान कर और ले लें। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं, हर जगह पे सिक्योरिटी के लोग होते हैं, एयरलाइंस के लोग होते हैं, अगर कोई चीज़ समझ ना आए आपको या आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको सिस्टम जनरेटेड मैसेजेज आते हैं, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो पहले सिक्योरिटी का मामला है उसको फॉलो करें। और फ्लाइट में बैठने के बाद भाई साहब, जब तक कि आपको अनाउंसमेंट ना वो करें कि आप अपना मोबाइल ऑन करें, तब तक आप मोबाइल ऑन ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लाइट लैंड होने से पहले ही अपना मोबाइल ऑन करके और बोलते हैं भाई मैं यहाँ पहुँच गया, मैं बॉम्बे पहुँच गया, मैं दिल्ली पहुँच गया। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, जितने भी लोग फ्लाइट में बैठे होते हैं सबके लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि फ़्लाइट क्या है, टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है, पूरा सिस्टम से लोड रहती है, और उसमें अगर कोई भी एक भी एरर आया तो आपकी हमारी जान पर आ सकता है। तो इसके लिए आप प्रिकॉशन ज़रूर लें और तरीके से बैठें जो रूल्स फॉलो करने के लिए आपके एयर होस्टेस या एयरलाइंस के अंदर जो कर्मी हैं उनको फॉलो करें। मैं कुछ झलकियां आपको दिखाऊंगा कि बैड वेदर में क्या होता है लैंडिंग के टाइम और क्या होता है टेक ऑफ के टाइम, यानी कि जब फ्लाइट उड़ती है उस वक्त क्या पोजिशन होता है और लैंडिंग होने के टाइम पे क्या होता है। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि सब कुछ सिस्टम प्रॉपर होता है और बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, चाहे वो आप फ्लाइट से जा रहे हों, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हों, जिस चीज़ से भी जाएं आप अलर्ट रहें। आप जब तक सफ़र में हैं तब तक आप अलर्ट रहें, अपने इवन घर तक पहुँचने तक अलर्ट रहें, कहीं पर सामान आपका नष्ट हो जाए इसका ख्याल रखें। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अभी करें, और सुनिए बेल बटन दबाना ना भूलें क्योंकि उससे हर छोटी बड़ी खबर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो